साथियों, कई अभ्यर्थी ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते समय कई प्रकार की त्रुटियां यानी गलतियां कर देते हैं, जिससे दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद अभ्यर्थी बहुत परेशान रहते हैं। और दोस्तों वही गलतियां आपकी जब स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए जाते हैं उसमें भी शो हो जाती है। और कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं पहले उनकी डिटेल सही होती है लेकिन दोस्तों स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय गलतियां कर देते हैं और फिर उनके एप्लीकेशन फॉर्म या स्क्रूटनी फॉर्म में गलती हो गई है। इसके लिए दोस्तों बहुत से अभ्यर्थियों ने मेरे को पर्सनल कमेंट करके और यूट्यूब चैनल पर कई अभ्यर्थियों ने पूछा है। तो सूचना सहायक के अभ्यर्थी हैं, जूनियर अकाउंटेंट के हैं, राजस्थान पुलिस के हैं, संगणक के, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और कई भर्ती परीक्षाओं के जो अभी दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करें जिसमें सीईटी है, एलडीसी भर्ती वाले हैं, स्टेनोग्राफर वाले हैं। तो ऐसे कई अभ्यर्थी हैं दोस्तों जिनके एप्लीकेशन फॉर्म व स्क्रूटनी फॉर्म में आपके आवेदन करते समय कई प्रकार की गलतियां रह गई है, तो उसका सुधार कैसे करें? क्या ऑनलाइन फॉरम व स्क्रूटनी फॉरम में गलती होने से क्या आपको भर्ती परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा या कोई दूसरा उपाय है जिसके द्वारा आप अपने एप्लीकेशन फॉरम और स्क्रूटनी फॉरम में सुधार किया जा सकता है? तो दोस्तों इन्हीं सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, इसलिए आप अंत तक बने रहें। और जो अभ्यर्थी पहली बार दोस्तों यूट्यूब चैनल पर आए हैं उनसे अनुरोध रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। इसी प्रकार की समस्त जानकारी आपको दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिलती रहती है।